यूजुअली टी जोन पे ज्यादा पाया जाता है, पोर्स हो जाते हैं सॉफ्ट, इजीली सब निकल जाएगा आपके, एक एक ब्लैक कम बाहर निकल जाता है। अब वो ब्लैक कैसे हो, आपके पोर्स को डैमेज करते हैं। स्क्रब आप नेचुरली भी कर सकते हैं। स्पेशल स्किन केयर रूटीन निकाला है आप लोगों के लिए, जो ब्लैक हेड्स के लिए पैसा और टाइम ज्यादा नहीं खर्चना कहीं। Hey guys, this is Karan S. Dhingra, your own The Formal Edit. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का टॉपिक है ब्लैक हेड्स। हर दूसरे लड़का या लड़की के फेस पे होते हैं ब्लैक हेड्स। दे आर मोर कॉमन देन एक्ने या एक्ने स्पॉट्स। आपकी ब्यूटी, फेस की या चार्म को कम कर देते हैं ब्लैक हेड्स। कितना महंगा स्किन केयर रूटीन हो, कितना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, कितने महंगे कपड़े पहने, लेकिन अगर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स हैं तो आपकी स्किन को परफेक्ट या सुंदर नहीं कहा जा सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आइए बात करते हैं। ब्लैकहेड्स के बारे में जानने से पहले आपको पोर्स को समझना बहुत जरूरी है। पोर्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज है ऑयल यानी कि सीबम, जो नेचुरली आपकी स्किन प्रोड्यूस करती है। दूसरा है पसीना यानी कि स्वेट। ये दोनों चीजें बाहर निकलती है, आपकी स्किन कूल डाउन होती है, हेल्दी होती है, गंद निकलता है बाहर। तीसरी चीज क्या होती है आपके पोर्स के अंदर, वो है हेयर फॉलिकल, जो बाल बाहर निकलते हैं। अब समझिए ब्लैकहेड कैसे बनता है। इसके अंदर जब ऑयल यानी कि सीबम ज्यादा प्रोड्यूस हो वहां पर, और साथ साथ डेड स्किन सेल्स जो आपकी स्किन हर मिनट श्रेड करती है, आपको विजिबल नहीं होता, बहुत छोटा होता है, जब वो इकट्ठा हो जाए उसके अंदर पोर के, और वो इकट्ठा होने के बाद ब्लॉक कर दे पोर को, हल्का सा बम बाहर निकल जाता है। अब वो ब्लैक कैसे होता है, जब ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो वो ब्लैक हो जाता है। इसको कहते हैं ब्लैक हेड। और वो यूजुअली टी जोन पे ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है। और सिर्फ फेस पे नहीं होते, आपके ईयर्स पे हो सकते हैं, बैक पे हो सकता है, चेस्ट पे भी हो सकते हैं। तो ये थी साइंस ब्लैक हेड्स की। सॉल्यूशन जानने से पहले इसकी जड़ जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन एक बार हटा तो देगा लेकिन ये वापस नहीं आएंगे अगर आपको कॉजेस पता है। सबसे पहला है एज एंड हार्मोनल चेंजेस। जब आपकी प्यूबर्टी होती है 13-14 की एज में, एंड्रोजन पैदा होता है जो आपके सीबम या ऑयल प्रोडक्शन को बॉडी में बढ़ा देता है। उससे क्या होता है, आपको बताया था डेड स्किन सेल्स श्रेड होते हैं हर मिनट। अब ऑयल ज्यादा आ जाएगा तो ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा हैं और ब्लैकहेड बनने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा है एक्सेस स्वेटिंग। जब पसीना ज्यादा आता है, गंदे हाथ लगेंगे, बैक्टीरिया बैठता है, उससे क्या होता है, वो पोर्स को ब्लॉक कर सकता है, ब्लैकहेड के चांसेस अगेन। तीसरा क्या है, तीसरा है शेविंग। शेविंग से कैसे हो सकता है, हेयर फॉलिकल निकलते हैं पोर्स से, आपको बताया था, जब उसको क्लीन करेंगे वो ओपन हो जाएगा। अगर उसको श्रिंक ना करें, जो हम सोल्यूशन में बताएंगे, तो वो ब्लैकहेड बन सकता है। बात बात पे दवाइयाँ ले लेना या स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, उससे क्या होता है, स्किन करती है डेड स्किन सेल श्रेड हर मिनट, बताया था। मेडिकेशन से वो 3 या 4 गुना पे ज़्यादा श्रेडिंग करेगी। जब ज़्यादा डेड स्किन सेल होंगे तो ब्लॉक होने के चांसेस, ब्लैकहेड के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला क्या है, रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट। आप जो भी नॉर्मली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजर चाहे सनस्क्रीन चाहे मेकअप, वो कॉम्डोजेनिक होते हैं, उसके ऑयल बेस्ड जो होता है वो थिक होता है, ब्लॉक पोर्स को जल्दी करेगा, ब्लैकहेड बनने के चांसेस होंगे। आपको क्या खरीदना है, कोई भी चीज़ खरीदे, सर्च करें, लेने जाएं, वो नॉन कॉम्डोजेनिक होना चाहिए, उसमें प्राइस डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो वो थिकनेस है वो कम होती है और ब्लॉक नहीं करेगा, ब्लैकहेड नहीं बनेंगे। अगला क्या है, बैड स्लीप साइकिल या स्ट्रेस लेना। इससे क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस ऊपर नीचे होते हैं, और जब वो होगा तो ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ब्लॉकेज के चांसेस, ब्लैकहेड के चांसेस ज्यादा है। टू मच प्रेशर ऑन स्किन, ज्यादा तेज टॉवल से रगड़ना, स्क्रबिंग हर दूसरे घंटे करना या ज्यादा घरेलू नुस्खे करना डेली, उससे क्या होता है, स्किन इरिटेट हो जाती है, पोर्स डैमेज हो जाते हैं, ओपन रहते हैं, उसमें बैक्टीरिया डट जाएगा, ब्लैकहेड के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला है डाइट। डाइट कई चीजें ऐसी हैं जैसे कि दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे आपका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा, ब्लैकहेड के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिससे आपकी स्किन अच्छी रहती है, ब्लैकहेड्स के चांसेस कम होंगे, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में दे रखा है। स्पेशल स्किन केयर रूटीन निकाला है आप लोगों के लिए, जो ब्लैकहेड्स के लिए पैसा और टाइम ज्यादा नहीं खर्चना, कहीं चीजों को ध्यान देना है आपको। नॉन कॉम्डोजेनिक प्रोडक्ट्स होंगे जो भी आप फेस पे यूज करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, रीजनेबल विदाउट एनी पेड प्रमोशन। पहला स्टेप क्या आता है, सैलिसैलिक एसिड का फेस वॉश, जो पोर्स के अंदर बॉन्ड बन रखा है डेड स्किन सेल का और ऑयल का, उसको तोड़ेगा और डीपली क्लीन करेगा। दिन में 2 से 3 बार आपको यूज करना है। और क्या ध्यान रखना है, आपको वर्कआउट के बाद तुरंत यूज करना है। दूसरा स्टेप आता है एक्सफोलिएशन, वो कैसे होती है, स्क्रब से। स्क्रब आप नेचुरली भी कर सकते हैं, कॉफी और योगर्ट से। अगर आपको नेचुरल नहीं करना, नीचे प्रोडक्ट्स के नाम दे रखे हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार से ज्यादा आपको स्क्रबिंग नहीं करनी। तीसरा आता है टोनर। टोनर क्या करता है, पोर्स को टाइट करेगा और अंदर गंद नहीं घुसने देगा, जिससे ब्लैकहेड्स नहीं बनते। लास्ट स्टेप आता है क्या, मॉइस्चराइजर, लेकिन वो नॉन कॉम्डोजेनिक होना चाहिए, वो स्किन को हाइड्रेट रखता है। चाहे टॉवल यूज़ करें या कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करें, उसको सर्कुलर मोशन में और बहुत आराम से यूज़ करेंगे। और क्या याद रखना है, आपको हॉट वाटर रूल का, नहाए चाहे फेस वॉश करें, एंड स्प्लैश जो होगा वो ठंडे पानी से होना चाहिए। अगर शेव करें, उसको आइसिंग करें बाद में, क्या करता है ठंडा पानी और आइस, पोर्स को श्रिंक कर देगा, उसमें डर्ट नहीं जाएगा और ब्लैकहेड नहीं बनेगा।
बात आती है ब्लैकहेड रिमूवल टेक्निक्स की। मेन चार टेक्निक है। सबसे पहला है पोस्ट ट्रिप। इट्स इफेक्टिव लेकिन उसमें पैराबन और केमिकल्स होते हैं, स्किन को इरिटेट कर सकता है। इट्स नॉट सूटेबल फॉर एवरी स्किन टाइप। दूसरा है क्या, क्ले और चारकोल मास्क। छोटे ब्लैकहेड के लिए अच्छे हैं लेकिन बड़े ब्लैकहेड वो नहीं हटा पाते। तीसरा क्या है, तीसरा है ब्रशेस। उसमें सॉफ्ट ब्रिसल होते हैं, वो इफेक्टिव है, हटा देते हैं, बट इवन विद सॉफ्ट ब्रिसल वो डैमेज कर सकते हैं, आपके पोर्स को डैमेज करते हैं वो। चौथा क्या है, चौथा होता है एक्सट्रैक्टर। उससे क्या है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इट्स वेरी इफेक्टिव और रीजनेबल। अब आप बोलेंगे आपने कमियां निकाल दी हर मेथड के अंदर, तो अब क्या इफेक्टिव मेथड है जिससे ब्लैकहेड निकाले। एक कॉम्बिनेशन बनाया है हमने आपको घर पे, जो इजीली घर पे पोस्ट ट्रिप बनेगी, जिसमें कोई केमिकल नहीं होगा और उसमें एक चीज है जिससे आप बड़े ब्लैकहेड्स भी हटा सकते हो वेरी इजीली। सबसे पहला स्टेप है स्टीम करना है। स्टीम से क्या होता है, आपके पोर्स हो जाते हैं सॉफ्ट, इजीली जिद्दी ब्लैकहेड भी निकल जाते हैं। कैसे करेंगे, उबला पानी लेना है, उसके अंदर आपको डिप करना है टॉवल, आपको सीधा नाक पे लगाना है जहां पे भी ब्लैकहेड्स है, 5 से 7 मिनट। पोर्स हो जाते हैं सॉफ्ट, इजीली सब निकल जाएगा आपके एक एक ब्लैकहेड। उसके बाद आपको पोस्ट ट्रिप जो आपको बना के रखनी है उसके अंदर क्या है, आपका 3 टेबलस्पून कॉफी, 2 एग व्हाइट्स अच्छे से मिक्स करें, जो भी एरिया जहां पे ब्लैकहेड है वहां पे लगाएं इसको, उसके बाद टिश्यू पेपर अप्लाई करें और 5 से 7 मिनट बाद जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए उसको हटा दे। इफेक्टिवली एक एक जिद्दी निकल जाएगा ब्लैकहेड। अगर कोई बच जाता है जो बड़ा और बहुत डीप है, उसके लिए आपको एक्सट्रैक्टर लेना है। एक्सट्रैक्टर से थोड़ा सा फोर्स करेंगे वो इजीली बाहर आ जाएगा दोस्तों, बट यहाँ पे आपका प्रोसीजर खत्म नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपकी स्किन हो गई है क्लीन, ब्लैकहेड खत्म हो गए हैं, लेकिन ओपन पोर अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक्ने या ब्लैकहेड वापस आ सकता है। एक पैक लगाना है जिससे पोर्स हो जाते हैं श्रिंक, जिसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है 2 टेबलस्पून, एलोवेरा जेल 1 चम्मच और थोड़ा सा रोज वाटर, जिसको आप मिक्स करेंगे, इफेक्टिव एरिया पे लगाएंगे, लगाने के बाद इसे ड्राई होने दे और ठंडे पानी से धो लें। जो लोग अंडा यूज नहीं कर सकते उनको 3 टेबलस्पून चीनी लेनी है, 1 से 2 मिनट तवे पे रखे वो पिघल जाएगी, 2 टेबलस्पून शहद डालना है उसमें, 2 से 3 बूंद नींबू, उसको थोड़ा कूल डाउन होने दे और जहां पे ब्लैक हेड्स है लगाएं एंड उसके ऊपर टिश्यू पेपर रखें। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से ब्लैकहेड्स के बारे में सब कुछ, उसकी बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज, उसकी जड़ कैसे होते हैं, कैसे हटाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक का नाम बताना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो।